हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7A का पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 जो है अच्छी तरह से बेसिक से कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ लिया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वो वीडियो भी जाके देख लेना, ताकि आपको फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है 12x-3y2 - 16 3y-2x। तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन मिले तो आपको इस टर्म को देखना है, ये वाला और ये वाला। तो देखिए, यहाँ 2x है माइनस 3y और यहाँ क्या है 3y-2x, मीन्स इसका जस्ट अपोजिट है। तो क्या करना है हमें, इस चीज को एक जैसा बना देना है। क्या करेंगे कि ये जो है माइनस, इस 3 पे माइनस आ जाएगा और 2x पे प्लस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस चीज पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे। तो यहाँ पे 12x-3y है, हम क्या करेंगे, इधर वाले को 2x-3y के जैसा ही बनाना है। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा आपका, प्लस का 16। और यहाँ पे प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो यहाँ पर आएगा -3y। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x। ठीक है, तो आपका ये वाला टर्म जो है अब इस टाइप का आ गया है ना। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 2x-3y2 + 16 2x-3y। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों टर्म जो है सेम है, और 12 और 16 में भी आपको कुछ कॉमन दिख रहे हैं। तो आप जो भी कॉमन टर्म आपको दिख रहे हैं वो आप निकाल लो। तो 12 और 16 का कॉमन टर्म क्या है, 4 हम लेंगे, और 2x-3y तो दोनों में कॉमन है ही, तो चीज़ को भी लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा देखिए 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका ये 12 2x-3y2 आपका आ जाए। तो अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 12 तो आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कि 2x-3y एक ही टाइम से लिखा हुआ है, हमें यहाँ दो टाइम चाहिए, तो एक बार और लिख देंगे 2x-3y। ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे 4 है और यहाँ 16 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आ जाएगा 4 से, और 2x-3y तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कॉमन टर्म है, तो इसको अब इतना तक ही लिखना है आपको। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा कि इस वाले को तो वैसे के वैसे ही लिख देंगे, 4 2x-3y, और यहाँ पे 3 जो है इन दोनों के साथ एक एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप कर दो, 3 2 6x-9y + 4, और ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखा ना आपने कितना इजी का है, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना जरूरी है। तो अगर आप नहीं जानते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक भी, आप जाके देख लेना। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इन दोनों टर्म में, अलग अलग टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा है। देखिए, इसमें भी x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, तो इन दोनों से x प्लस वाई को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम ले लेंगे x प्लस वाई जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर x प्लस वाई तो हमने ले लिया, ये बचा हुआ है, तो इस चीज़ को यहाँ लिख देंगे 2x + 5। ठीक है, माइनस, यहाँ पर x प्लस वाई तो कॉमन ले लिया गया है, तो जो बचा है वो लिख देना है x + 3। ठीक है, अब इसमें जो भी आपका माइनस प्लस ब्रैकेट तोड़ने के बाद हो रहा है वो आप कर दो, x + y यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x + 5 - x - 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 में 3 गया तो 2, तो ये आपका आ जाएगा x + y, 5 में 3 गया तो 2, और 2x में x गया तो x + 2। तो आपका आंसर आ गया x + y और x + 2। यहाँ हमने माइनस क्यों लिखा,
क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ए आर बी आर ए टी वी टी। इसमें आपको इस दोनों में आर कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में टी कॉमन है, तो हम ले लेते हैं। आर कॉमन लेनी है तो ये आ जाएगा ए प्लस बी के फॉर्म में, प्लस यहाँ पे टी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो आपने क्या देखा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक दूसरे के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं जो ए प्लस बी और ए प्लस बी और आर प्लस टी आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स में कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है तो एक्स ले लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई करने पे और यहाँ पे ए हो, ठीक है। माइनस इन दोनों में कॉमन आपको बी दिख रहा है तो बी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे माइनस अगर मान लिया जाए, यहाँ पे आप माइनस लिख देते हो तो माइनस माइनस ये प्लस के बराबर हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ प्लस लिख देते हैं तो यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाओ इस टाइप के, तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको माइनस देना है, तब यहाँ पे आपका ए आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो टर्म है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए दोनों बराबर हो गया है, तो आपका पहला टर्म यहाँ से निकल जाएगा एक्स माइनस ए और दूसरा निकल जाएगा एक्स माइनस बी, ठीक है, ये आपका आंसर है। देखिए इस वाले टर्म में क्या हुआ है कि जैसे माइनस बी एक्स है, प्लस का ये बी है, अगर इन दोनों टर्म में हम बी को कॉमन लेते हैं, ठीक है, बी को कॉमन लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि बी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे ना, तो ये माइनस अगर बाहर रहे और अंदर में प्लस रहे जैसे कि यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे माइनस का साइन देना है, तब यहाँ पे हम क्या देंगे ए, नहीं तो अगर मान लिया जाए आप यहाँ पे प्लस दे देते हो, तो ये देखिए माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे माइनस है नहीं प्लस है, इसीलिए यहाँ पे हमें क्या देना है माइनस। ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इस चीज़ को हमको रीग्रुप करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी स्क्वायर और यहाँ पे सी है ही नहीं, इसलिए इस सी स्क्वायर को इधर ले आएंगे। आपका ये इसका ऐसे होगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, बस टर्म को इधर उधर करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर पाएंगे कि इन दोनों में कॉमन ले पाएंगे, जैसे इन दोनों में कॉमन है आपका ए बी, ले लिया, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर में था ना, तो एक और बी दे देंगे तो ए बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए बी है यहाँ पे ए बी है, तो ए बी तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले चुका है, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि ए ए बी आपका हो जाए, तो यहाँ पे आप वन लिखना, ठीक है, ए बी इंटू वन करेंगे तो ए बी ही ना आएगा, मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म देखना है, एकदम बेसिक चीज़ है सारा। अब यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ माइनस दिया हुआ, इन दोनों में आपका क्या कॉमन दिख रहा है सी स्क्वायर, तो देखिए ये अगर माइनस बाहर रहे तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान में देना, ध्यान में रखते हुए बनाना, जैसे कि यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर आ जाएगा, तो बी से करेंगे तब ना माइनस बी सी स्क्वायर होगा, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे भी आपको माइनस देना है, तब क्या होगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसीलिए, और यहाँ पे वन हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि सी स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो सी स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना आपका सी स्क्वायर आंसर आएगा, इसलिए हमने यहाँ वन दे दिया, ठीक है। अब चूंकि बी माइनस वन बी माइनस वन सेम है, तो हम जो बनाए वो सही है, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर और बी माइनस वन बन गया आपका, ठीक है। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। इसमें भी आपको क्या करना है, कॉमन ही लेना है ना, तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है एक्स, तो एक्स को कॉमन ले लेंगे,
एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना एक्स स्क्वायर आएगा, तो लिख दिए एक्स माइनस, यहाँ पर एक्स है एक्स कॉमन ले ही चुके हैं तो जेड हो जाएगा, प्लस इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में वाई है तो वही कॉमन हो गया आपका, जो बचा है उसको लिख देना है आपको माइनस जेड। आपने क्या देखा, यहाँ भी एक्स माइनस जेड, यहाँ भी एक्स माइनस जेड, मतलब ये अब क्वेश्चन जो आपका बन चुका है एक्स माइनस जेड, और दूसरा क्या होगा एक्स प्लस वाई, आ गया आपका आंसर। देखा ना कितना इजी कॉन्सेप्ट है आपका इसमें। तो इसी टाइप से आपको हर एक वीडियो का अगर समझना है, या फिर आपको कोई ऐसा वीडियो चाहिए जो आपसे, जो कोई ऐसा चैप्टर चाहिए जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी देखते हैं कॉमन टर्म ही लग रहा है आएगा, चलिए बना के देखते हैं। तो 6ab और माइनस बी स्क्वायर में क्या कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 6a माइनस बी स्क्वायर हो गया, प्लस इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले तो 2 कॉमन है ही, और यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे बी सी है, तो सी कॉमन है लिख देंगे, यहाँ 2 6 या 12 होगा, सी तो ऑलरेडी है, जो बचा है लिख देना है, माइनस 2c है, यहाँ पे जो बचा है लिख देना है बी, 6a माइनस बी, यहाँ पे भी 6a माइनस बी, तो आपका जो है आंसर आ गया 6a माइनस बी और बी प्लस 2c, बन गया आपका ये भी क्वेश्चन। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 22 बनाते हैं, एक्स माइनस 2y, तो हमारा क्वेश्चन ये हुआ एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y, तो ये वाला टर्म तो आपका ऑलरेडी से बना हुआ है, आपको क्या करना है, ये जो दोनों टर्म दिया हुआ है इसमें आपको कुछ कॉमन लेना है, ले सकते हैं ना 4 से, 4 कॉमन है दोनों में, तो एक्स माइनस 2y लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये भी, ये टर्म और ये टर्म सेम हो गया ना, अब आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करें कि x माइनस 2y ही कॉमन लेना है, ठीक है कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 2y और प्लस का 4, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है y स्क्वायर माइनस xy ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो आप एक्स वाई को क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों के साथ, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 1 के साथ करेंगे तो ये ना आएगा, और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स क्यूब। अब आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में वाई कॉमन है, ठीक है कॉमन आ गया, प्लस इन दोनों में आपका एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा वाई माइनस यहाँ पे एक्स, तो देखिए वाई माइनस एक्स सेम टर्म आ गया, तो ये आपका आंसर आने वाला है वाई माइनस एक्स और दूसरा वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, इसी टाइप से आपको समझते हुए बनाते जाना है, ऐसा नहीं कि सारा आपको देख के ही बनाना है, थोड़ा खुद से भी बनाने का ट्राई करना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 है ए एक्स प्लस बी वाई और यहाँ पे बी एक्स माइनस ए वाई, मीन्स यहाँ ए एक्स प्लस में है, यहाँ पे ए एक्स जो है माइनस में, देखा जाए तो ये उल्टा ही है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये माइनस, और जो बी एक्स है आपका प्लस में था हो जाएगा माइनस, लेकिन माइनस करने से क्या फायदा, ये टर्म ये वाला काम नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे एक एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, 2ax इंटू by, फिर प्लस अब इस वाले का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब आप इसको तोड़ो तो यहाँ पे आपका ये वाला टर्म, ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाला हो जाएगा आपका बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस ये आपका 2xyab हो गया, प्लस ये वाला टर्म हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 2xyab, ठीक है। ये इतना तो हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस 2xyab है, यहाँ पे प्लस 2 है, तो ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म है, तो ये दो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमने कर दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो भी बचा हुआ टर्म है उसको लिखते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो क्या करेंगे, जो वाला टर्म सेम है उसको एक साथ ले आते हैं, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी है नहीं वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई नहीं है, तो जिसमें वाई है उसको वाई के साथ कर देते हैं, मीन्स इसको इसके साथ कर देते हैं, इसको इसके साथ, तो यह जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो इधर आ जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। हमने क्या किया, सबसे पहले ए प्लस बी का होली स्क्वायर कर दिया, फिर ए माइनस बी का होली स्क्वायर कर दिया, फिर उसको अच्छी तरह से लिखा, उसके बाद जो भी यहाँ प्लस था और ये माइनस में था, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो गया, जो नंबर आया हमने लिख दिया। अब रीग्रुप करके अब हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन लेने लायक टर्म आ चुके हैं तो ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना आपको, तो यह आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर है वाई स्क्वायर, तो इन दोनों में भी वाई स्क्वायर कॉमन है तो ले लिया, और आपका ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म देखिए आपका सेम आ गया है ना। तो जब टर्म सेम आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो आपका आंसर है ना। तो इसी टाइप से हमने क्या किया, आइडेंटिटी के थ्रू इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन था, अब बनाते क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, ए वी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस 1, तो जो बीच वाला टर्म है ए माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय बी, इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या होगा, ए बी, बी को 1 से करेंगे तो माइनस बी माइनस 1, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए बी, ए बी कॉमन ले लेना है आपको, यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे 1 दे दोगे तो आपका बी प्लस 1 हो जाएगा, ए बी इंटू 1 होगा ए बी, इसीलिए अब यहाँ माइनस है, ये बी है और ये 1 है, तो इसमें आप क्या कॉमन लेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। तो जो अगर हम 1 कॉमन ले ले तो 1 इंटू बी बी होगा, 1 इंटू 1 1 ही होगा, ठीक है, तो ले लिया, यहाँ पे बी लिख देंगे, और यहाँ माइनस था ना बाहर में, तो ये ध्यान देना है माइनस बाहर में रहे तो ये वाला प्लस क्या होता है, माइनस जो है ये प्लस करेंगे तब ना ये माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ माइनस दे देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए तो ये भी बी प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, तो ये बी प्लस 1 सेम है, तो इसलिए आपका टर्म इस टाइप से हो गया बी प्लस 1 और ए बी माइनस 1 आ गया आंसर।
उसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 26 पे जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, इसमें भी आपको कॉमन ही लेना है। तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन टर्म दिख रहा है, अब तो आपको बनाने आ ही गया होगा, समझ में आ ही गया होगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स देना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे थ्री देना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन था, प्लस यहाँ पे एक्स माइनस थ्री है तो वन कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा एक्स माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 26। तो इसी टाइप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए कोई भी चैप्टर से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जो भी वीडियो होगा मैं सारा बनाने का कोशिश करूंगा। और ये स्टैंडर्ड 8, 9, 10 का मैं पूरा जो है वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चाहो तो उन लोगों को आप शेयर कर सकते हो जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहां देखिए, इन दोनों में आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिख रहा है या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ये तो बराबर है नहीं, तो हमें करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई को भी, तो कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी आपको दिख रहा है और यहाँ पे एक्स वाई एक्स वाई, तो हमें इसमें ए बी एक्स स्क्वायर है, ए बी एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, इन दोनों को हम एक साथ लाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें कॉमन लेना है। और ये ए बी वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप कॉमन लेके देखो क्या होता है। तो ए बी है यहाँ, ए बी यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ए कॉमन हो गया सबसे पहले, एक्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ए एक्स आपका कॉमन हो गया। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, बी एक्स कॉमन हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, कैसे, तो देखिए ए बी एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ना, आ गया माइनस, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स है तो वाई की जरूरत है, तो ये देखिए हमने लिख दिया, और एक ए है यहाँ पे हमें दो चाहिए, तो वाई ए प्लस, इन दोनों में आपको ए कॉमन तो नहीं है, बी है, हाँ बी है, तो ये देखिए हमने लिख दिया, और वाई भी कॉमन है तो बी वाई भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए वाई माइनस, कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना आ जाए, तो बी वाई है तो जो नहीं है उसको आप लिख दो, तो यहाँ बी है, यहाँ पे बी है एक, तो एक बी लिख देते हैं, वाई है यहाँ पे एक वाई है, यहाँ भी एक वाई है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो बी एक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए वाई माइनस बी एक्स हो गया, और यहाँ पे ए वाई जो है वो माइनस में है, बी एक्स प्लस में है, तो ये थोड़ा उल्टा हो गया। तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को भी उल्टा कर लोगे, मैंने आपको सिखाया था ना कि कैसे करना है, आपको बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस से। तो ये आ गया आपका ए एक्स बी एक्स माइनस वाई ए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देना है, बी वाई, हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो ये प्लस जो है आपका हो जाएगा माइनस का ए वाई, और ये माइनस जो है आपका प्लस का बी एक्स हो जाएगा। और ये देखिए आपका क्वेश्चन बनने वाला है ए एक्स बी एक्स माइनस वाई ए माइनस बी वाई बी एक्स माइनस वाई ए। तो यहाँ से आपका बी एक्स माइनस वाई ए और ए एक्स माइनस बी वाई जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को समझते हुए उसको तोड़ तोड़ के बनाना है, तो आपका क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा।
ठीक है। तो यह अब आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस टू बी प्लस टू ए बी, ठीक है। ये बीच वाला टर्म जो है आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में है। तो ये आपका गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हम मैंने आपको क्या बताया था, ये बाहर में माइनस हो और ब्रैकेट के अंदर प्लस हो तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो टू बी एक्स हो जाएगा प्लस टू ए बी। अब यहाँ पे आप इन दोनों में एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, टू बी कॉमन ले सकते हैं दोनों, तो ले लिया, क्या बचा है एक्स हो गया टू बी एक्स, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या देना है आपको, माइनस, क्यों देना है कि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए, और यहाँ प्लस दे देते तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है जो कि ऊपर प्लस है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टू बी तो ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या नहीं है तो ए, तो एक्स माइनस ए हो गया। यहाँ से आपका आ गया आंसर x माइनस ए और x माइनस टू बी, और ये आपका आंसर आ गया। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने एक्सरसाइज 7 हमने एक्सरसाइज 7 ए का 1 to 28 पूरा क्वेश्चन बना लिया। इसका जो है दो पार्ट में ये डिवाइडेड है, पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 बनाया है और दूसरे में 15 to 28। तो अगर आप ने ये वीडियो अच्छी तरह से नहीं देखा या फिर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। मैंने आप उसमें इंट्रोडक्शन के थ्रू जो भी फैक्टराइजेशन रिलेटेड टर्म है हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह से बताया है, आप उसको अच्छी तरह से देखो तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन, अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।